मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर मिर्जापुर से। मिर्जापुर थाना कोतवाली दया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वीर मैवा में पति पत्नी के बीच हुआ आपस में विवाद, जिसने पति ने पत्नी को ईंट से मार मार कर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में पत्नी की मौत। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। जी सर, देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर एक हत्या हुई है, सर क्या है पूरा मामला? कोतवाली देहात के गांव वीर मऊगा में एक शिव पूजा नाम का व्यक्ति, जो बताया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से अस्वस्थ था, विक्षिप्त था, अपनी पत्नी राजकुमारी को किसी बात को लेकर के ईंट से प्रहार किया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई ने तहरीर दिया है, 304 IPC का भी पंजीकृत है और अभी तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। वैश्विक महामारी के चलते आम जन मानस के सेवा में दिन रात लगे रतन मोहन मिश्रा। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। किसका सम्मान किए हैं आप लोग और क्या विषय सम्मान करने का? आज हम लोग सुबह सफाई कर्मचारियों का सम्मान किए हैं और इस समय हमारे पत्रकार भाई जो धूप में और बरसात में चारों तरफ घूमते हुए इस महामारी का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो एक एक मिनट समाचार हम लोग दे रहे हैं, इसलिए हम लोग के मन में हुआ कि पत्रकार भाइयों को भी सम्मानित किया जाए, तो हम लोगों ने कार्यक्रम पत्रकार भाइयों के सम्मान के लिए आयोजित किया। कैसे आपको सोच मिले महाराज जी कि आप लोगों को सम्मान कर रहे हैं और लोगों को गरीबों में अनाज भी बांट रहे हैं, रोज खाना भी वितरण करा रहे हैं, जब से लॉकडाउन है, कब से लॉकडाउन से बांट रहे हैं? हमारे हमारे परम कलकत्ता के निवासी मानी हरि प्रसाद कनौड़िया जी के सौजन्य से विगत 25 मार्च से लगातार अभी तक प्रतिदिन 300-350 लोगों को अन्न का वितरण हो रहा है और उन्हीं के माध्यम से हम लोग की प्रेरणा ने उन्होंने कहा कि आप इसको करिए, तो हम इसका कर रहे हैं।